हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। और आज मैं फिर से लेट हो गई हूँ सो के उठने में। तो आज मेरा जिम फिर से छूट गया है, बट कल मैं फिर से जल्दी उठूँगी और जाऊँगी जिम। बट अभी फ़िलहाल मैं बाहर बर्ड्स को उनका खाना डाल देती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपसे आगे। और आज भी मुझे कहीं जाना है, मैं कोशिश करूँगी मैं आप लोग को अपने साथ में लेके चलूँ। तो चलिए मिलते हैं हम आगे। झटके बहुत लग रहा है। कोई ले जाएगा फोन, वो वीडियो बना रहा होगा फिर तेरे फोन। अरे हम लोग वहाँ जा रहे हैं ना, हम लोग जा रहे हैं पांडे भैया के बर्थडे की शॉपिंग करने। साई मंदिर आ गया। और ना ये हम अभी नोएडा 137 के आसपास थे, तो मैंने देखा ये छोटे छोटे पपीज़ थे और उनकी मम्मी भी थी। और यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ भी बनी हुई हैं। बट ये लोग इतने भूखे प्यासे हैं, यहाँ पे जितने भी ये लोग हैं ना, इतने कोठियों में रहने वाले ये लोग। हम लोग को इनफैक्ट मैंने बिस्किट डाला तो वो हम लोग को रोक रहे थे डालने के लिए, और मतलब ये लोग तो देते ही नहीं होंगे। फिर मेरे को यहाँ पे एक बच्चा मिला जो मतलब लेबर का काम करता था, और बच्चा ही था वो। उसने मुझे बोला कि दीदी मैं इसको डाल देता हूँ बट मैं कभी कभी ही डाल पाता हूँ। तो भाई ये यार, जो लोग गरीब हैं वो लोग फिर भी एक बार को अपने एफ़र्ट्स दिखाते हैं, अपने खाने में से बेचारे देने को आते हैं। बट जो ये पैसे वाले आजकल लोग हो गए ना, इन लोग को बिल्कुल भी किसी तरीके से इंसानियत नहीं रही है। क्योंकि वो बल्कि हम लोग को रोक रहा था कि आप खाना मत डालो यहाँ पे वो। तो मतलब मैं वही कह रही हूँ कि यार, जब भी अपने आसपास जानवरों को देखो तो यार खाना और पानी ज़रूर डालो। आपका पैसा ना यहीं के यहीं रह जाएगा आपके मरने के बाद, वो आप लोग लेकर नहीं जा पाओगे। तो एटलीस्ट आप लोग थोड़ा सा पुण्य कमा लो अच्छे काम करके, जिससे आपके आगे आने वाले कल और आपका अगला जन्म सुधर जाए। क्योंकि इतने पैसे रख के ना आपका कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा थोड़ा करके भी अगर सब करेंगे ना इन जानवरों के लिए, तो शायद कोई भी जानवर भूखा नहीं रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग भी ना ये मत सोचो कि हाँ कोई ना कोई डाल देता होगा ये वो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अरे वो आती है गाड़ी, वो डाल देती है, ये डाल देती है। प्लीज़ ऐसा मत सोचो। एटलीस्ट एक रोटी और थोड़ा बहुत पानी ज़रूर निकालो अपने घर से इन बेजुबान जानवरों के लिए। और अगर कोई नोएडा 137 सेक्टर के आसपास रहता हो और बाय चांस वो मेरी वीडियो देख ले, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर हेल्प करें इन बच्चों को। क्योंकि ये लोग, मैंने आज तो खाना डाल दिया है बट अब मैं रोज़ वहाँ जा नहीं सकती हूँ। तो कोई वहाँ पे अगर बाय चांस देख ले तो प्लीज़ इन लोग को खाना ज़रूर दे। यहाँ ना, जहाँ मैं अभी दिखा रही थी, यहाँ पे एक दो लोग मुझे दिखे हैं। ये बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले लोग हैं जो एक एक रोटी भी नहीं निकाल सकते जानवरों के लिए। और यहाँ पे ही मुझे एक गरीब बच्चा दिखा, उसने मुझे बोला दीदी मैं यहाँ पे ना कभी कभी इनको रोटी वोटी डाल देता हूँ। सीरियसली, जिसके पास खुद खाने के लिए नहीं है वो मुझे बोल रहा है कि मैं फिर भी इनको थोड़ा बहुत डाल देता हूँ, और कोई यहाँ पे नहीं डालता है। तो प्लीज़ यार, खाली पैसे लेके आप लोग कहाँ जाओगे? सब जब मरने के बाद ना इंसान का पैसा यहीं के यहीं रह जाना है। तो एटलीस्ट पुण्य ही कमा के जाओ कि आपको अगले जन्म में काम आए इस चीज़ का। ये इशारे हो रहे हैं कि जो सामने वाले लोग हैं वो लोग ने क्या ऑर्डर करा है। उसका वो बोला है कि देख कर रहे हैं उसके प्लेट में कि क्या खा रहे हैं वो, ताकि हम वो ऑर्डर कर सकें, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। ये निकले अपने टारगेट पे। अरे कहीं और की प्लेट में जा गए। अब देख उनका जानने गया है खाना क्या। अच्छा, लड़कियों का खाना जाके। अच्छा, वो लड़कियों का। अच्छा, पहले हमसे आगे वालों का झाक के आ चुका है ऑलरेडी, और अभी वो सामने गया है कि वो झाक के आए। अब वो आते टाइम झाकेगा, देखते हैं। ये टारगेट अपना पूरा करके अचीवमेंट सुनाने आए हैं। ये कन्नू देख लो, मम्मी को आइसक्रीम भी नहीं खाने दे रहा, और आइसक्रीम के लिए देखो कितने उतावले हैं ये लोग। और क्या लिखेंगे? और लिख सकते हैं स्वीटी। ओह, उसने काट ली और उसने खा ली आइसक्रीम।
काट ली उसने थोड़ी सी। ये जीजा साली में हो रही है लड़ाई। जीजा साले में हो रही है लड़ाई। आज पता नहीं कैसा माहौल है घर में लड़ाई झगड़े का। और ये ऐसी चीख निकल चुकी है। साले की चीख निकल चुकी है। और ये हो रही है पति पत्नी में लड़ाई। पति पत्नी में लड़ाई। यहाँ पे इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है पता नहीं किस बात का। साली के पड़ चुका है चाटा। हमारा जीजा को साले ने पकड़ रखा है। ये हो रही है इन लोग की लड़ाई। मैं अपना बदला लूंगा सोने का। अच्छा तुम भी आ रहे हो। बहुत कोशिश हो चुकी है बट हम लोग यहाँ पे रोक नहीं पा रहे लड़ाई। ये बेचारा भरा जा रहा है। ये तलवार और ये शील्ड। साली अपने औजार लिए खड़ी है। जीजा यहाँ पे प्लानिंग में है कैसे उसका सामान फेंके और इस पे अटैक किया जाए। मार दूंगी। और यहाँ भाई भाई बहन का नहीं रहा। यहाँ पे साली ने चिपका दिया मच्छर वाला रैकेट जीजा को। ये हाँ साला और जीजा। अरे 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 ओ माय गॉड मैं अपने आप को बचा लूं। ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। अचानक से लड़ाई बहुत बढ़ चुकी है। ये क्या था नया। लड़ाई लड़ाई माफ करो तोते का पिछवाड़ा साफ करो। What is this? आज हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरे अरे ओ माय गॉड। ये क्या था अरे माय गॉड ओ माय गॉड। भाई बहन ने जीजा को घेर लिया है। मारो 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 हमें मारो। यही हमारी होती है लड़ाई समाप्त। हो गया ऐसा लगा आज का व्लॉग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज हैंग आउट विद यामिनी।